सबसे पहले आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के। मनीष सिसोदिया जी बड़े बड़े पत्रकार सीगे ते उन्होंने अपनी शायद जे ओ हुंदे अज पत्रकारता किसी ने किसी चैनल दे ओ चीफ एडिटर हुंदे ते उन्होंने भी अपनी पत्रकारी जिहड़ी आ उहदा करियर छड्ड के लोकां दे नाल खड़न दा फैसला कीता। जो डिप्टी मुख्यमंत्री ने ते इक इनकलाबी सिक्ख्या मंत्री तौर ते उन्होंने जाणिया जांदा है। अगे जे गल करिए राखी बिरला वह भी रामलीला ग्राउंड के जो अन्ना हजारे मूवमेंट चल रही थी उसकी कवरेज कर आई सी एक चैनल वालों प्राइवेट चैनल वालों तो वो उन्होंने इन्ना वधिया लग्या पार्टी का जिहड़ा वो संघर्ष जा लोगों का जिहड़ा सत्कार कि वह पार्टी उन्हें ज्वाइन कर ली आम आदमी पार्टी बाद जो बनी। अज वह तीजी बार MLA है तो लगातार दूजी बार वह पंजाब दिल्ली की विधानसभा की डिप्टी स्पीकर है। सो हर वर्ग तो भावें वह वकील होन भावें वह कलाकार होन भावें वह कोई वैसे यूथ हो अपनी पढ़ाइयां छड़ के भी बहुत सारे आए ने। सो हर वर्ग जिहड़ा है वह आम आदमी पार्टी नूं आपदी पार्टी के रूप च देखता है। उस सिलसिले च अज अजय लिबड़ा जिहड़े कि यूथ के अकाली दल के लीडर सी जिस तरह मैं पहला कहा ये आप दसणगे कि किहड़े-किहड़े कारण सी कि जिहड़े इन्होंने आम आदमी पार्टी नाल आके संघर्ष लड़न का फैसला किया। अनमोल गगन मान काफ़ी सालों तो पंजाबियों के पूरी दुनिया च वसदे पंजाबियों के जिहड़े दिलों पर राज कर रहे ने अपने गीतां राही भी स्टेज पर वैसे भी जां अपने सोशल मीडिया राही भी समय समय से जो समाज के घटनावां हुंदियां ने कोई भावें वह कोई ड्रग वाले नशेड़ी की मरदे की वीडियो आवे नौजवान की भावें वह कोई होर पंजाब दी समस्यावां दी गल होवे वह बेवाक तरीके नाल जिहड़ा सिस्टम के विरुद्ध बोलते रहिंदे ने। सो उन्होंने भी फैसला किया मैं क्योंकि बींग ए आर्टिस्ट मैं पता है कि आर्टिस्ट जिहड़े जज्बाती होंदे ने लोगों के दुखों नू नेड़ों जानते होंदे ने। सो उन्हां दा मैं स्वागत करदा ते नाल लाल चंद जी कटारू चक के बहुत वड्डे लोक नेता ने पठानकोट दे हल्के दे और पिछली बार पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस वालों 2019 च गुरदासपुर लोग सभा तो लड़े भी सीगे लोग सभा की इलैक्शन तो आजाद इलैक्शन भोआ तो लड़े सीगे ते सरपंची जिहड़ी है अपने पिंड की पिछले 25 साल तो अजकल मेरे ख्याल अगली बार सरपंची जिहड़ी है वो 40-40 लाख रुपया ला के भी दोबारा नहीं बचाई जा सकती पर कितने ना कि इस परिवार का उस इलाके दे विच बहुत सत्कार है और लोग संघर्ष के विचों निकले हुए नेता ने। सो मैं तिना का वेलकम करूँगा और तुसी मैनू सवाल पूछण तो पहला जे मैं चाहूँगा कि अद्धा अद्धा मिनट जे ये अपने बारे दस देन तां मैं सब तो पहला मैं अजय जी तुसी थोड़े तुसी दस इधर तो सीरीज वाइज शुरू कर टच हां इधर आ जा आजो खड़ो इधर आ नेड़े जा इधर आ नेड़े एक मिनट इधर नेड़े आजो 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 कोई तुसी इत्थे बैठ जी मैं साहब उत्थे बैठ आज भाई भाई बैठ कर माइक नहीं ना हां जी हाँ जी मैं लाल चंद कटारू चक मैं जिवें दस्या मान साहब ने चीमा जी ने भी 2019 च मैं PDA वालों गुरदासपुर तो चोन लड़ी है और 2017 च मैं असेंबली चोणा भोए तो लड़ी है। सो पिछले लगभग 34 वरिया तो मैं पंजाब दे राजनीति नाल जुड़िया पंजाब दे किरती लोकां नाल जुड़िया और अज मतलब जिहड़ी पंजाब दी अवस्था आ दो तीन परिवारां ने नागवाल पा के पंजाब दे राज भाग दे कब्जा कीता होया और मैं महसूस करदा भी जिहड़े जे सोट लोक चो मैं आया साडे आम आदमी पार्टी नाल बिल्कुल जिहड़े स्लोगन ने आम आदमी पार्टी दे जां जो दिल्ली च कीता आ उहने सानू इनकरेज कीता और मैं महसूस करदा भी इस वेले पंजाब जिवें तबाही आले पासे वध रिहा लगातार और दोवें कंबीनेशन जिहड़े पंजाब दे आ मतलब सरकार मतलब पिछले जिहड़ियां रवायती पार्टियां ने बनाए आ पंजाब दे लोकां दा लहू चूसिया पंजाब दे किसानां दा पंजाब दे खेत मजदूरां दा बिल्कुल उहनां दे झंडे ते कोई नहीं है मसला। सो इस करके मैं महसूस करदा भी आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प अज पंजाब दे लोकां दे सामने। सो मैं अज आम आदमी पार्टी च आया मैं ये महसूस किया कि इत्थे बहुत सारे आम लोग ने जिहड़े अपने सैक्रीफाई करके अपने परिवारां नूं कह लो भी लत मार के काम कर रहे आ। सो मैं इहदे राहीं कुछ पंजाब दे लोकां दा कर सकां मेरी दिली इच्छा आ और मैं आम आदमी पार्टी दे अंदर बिल्कुल वलंटियर बन के
मतलब पिछे खड़ के मैं काम करूंगा, मेरिया कोई वखरिया छावा नहीं, जिथे पार्टी हुक्म लोगी मैं वो काम करूंगा। सो मैं उम्मीद करदा पठानकोट और गुरदासपुर के अंदर बाकी पंजाब के वांग भी आम आदमी पार्टी में एक बड़ा बल मिलेगा। और असं राजनीति के अंदर केवल सेवा लिए आया, अभी कोई कमर्शल पक्ष तो नहीं आए। मैं 34 वर्षों के अंदर कोई मेरे ते अंगल नहीं खड़ी कर सकता। उम्मीद करदा मेरा भविष्य भी इदा रहेगा और तगड़े हो गए असं आम आदमी पार्टी बनावांगे। बहुत सारे लोग होर भी अज जिहड़े आ उह साडे पिछे आ, उह बस उन्हां नूं लोकल लैवल ते असीं ज्वाइन करावांगे। और मैं उम्मीद करदा भी आम आदमी पार्टी पंजाब दा जिवें भविख बन रहा लोकां च, इक खास करके पंजाब दे मेहनती लोकां दे सामने जिहड़ा विकल्प दे तौर ते आ रहा नौजवानां दे सामने, वह असी महसूस कर रहे हैं कि पंजाब लई चंगा सगन। सो अज मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके खुशी महसूस कर रहा। अजय लिबड़ा जिहड़े कि यूथ अकाली दल दे वड्डे अहुदे ते रहे ने, ते वो अपना दुख दसणगे क्योंकि अकाली दल च रहना तो अज की डेट च दुख ही है। सो अपने दुख जिहड़े ने बयान करनगे। अजय लिबड़ा जी। मेरा नाम अजय सिंह लिबड़ा जी, मैं फतेहगढ़ साहब तो यूथ अकाली दल का प्रधान, जिला प्रधान भी रहा। बड़े लंबे समय तो साडा परिवार फतेहगढ़ साहब एरिए दी सेवा करता आया, तो नाल ही श्रोमणी अकाली दल नाल जुड़िया हुआ। बड़ी लंबी सेवा है मेरे बजुर्गों वालों भी, तो उन्होंने राह ते तुरदे मैं भी इस सेवा दे विच शामिल होया, तो हुण तक अकाली दल नाल ही तुरदा आया। हुण पर जिहड़ी हालत पंजाब दी हो गई है, जिहड़ी नाजुक मोड़ ते अपना पंजाब आके खड़ा, हुण एक लोड़ है एक रेवोल्यूशनरी सोच, एक ऑनेस्ट अप्रोच दी, जिहदी मिसाल आम आदमी पार्टी ने श्री अरविंद केजरीवाल जी दे नेतृत्व च एक दिल्ली च बना के दिखाई है। उन्हां दे दिखाए हुए राहां ते जिहड़ी पंजाब दी टीम है, मान साहब, चीमा साहब, सारे एक बहुत वधिया तरह पंजाब दे लोकां लई, पंजाब दे हितां दी लड़ाई जिहड़ी हैगी, जो होना चाहीदा पंजाब दा, वह बहुत चंगी तरह चला रहे हैं। जद मीटिंगा होईयां, मैनू जो रोड मैप, जो ब्लू प्रिंट लीडर साहबान ने दिखाया, जो आम आदमी पार्टी दे लीडर साहबान सी, वह एक बहुत ही वधिया पंजाब लई अगे आउण वाला समां जिहड़ा इन्हां ने सोचिया, वह आम आदमी पार्टी विच ही आ सकदा। सो इस गल नूं वेखदे होए कि जे पंजाब दा भला करना है, जे सेवा करनी है, जिहड़ा सेवा भाव शुरू तों ही साडे परिवार दे विच हैगी है, तां मैं देखिया वी आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत वधिया पार्टी, ऑनेस्ट पार्टी जिहदे दिल च पंजाब दे लोकां लई दर्द है। सो इसे चीज़ नूं देखदे होए ये मैं पार्टी नूं जॉइन करन दा फैसला लिया, ते अज तों बाद इस पार्टी नाल बड़े तकड़े हो के काम करांगे, जिथे ड्यूटी लाउणगे, जिस तरह की ड्यूटी लाउणगे उहदे लई हाजर। फतेहगढ़ साहब की टीम है तो सारे ने असी कोई इस तरह का नहीं है कि कोई ये ज्वाइनिंग जिहड़ी है जिन्नियां भी होणगियां फ्यूचर दे विच भी जगह जगह तो काफ़ी लोकल भी ज्वाइनिंग होणगियां, तो असी सारा प्रोपर पारदर्शी तरीके नाल लोकल वलंटियर जिन्होंने दिन रात पसीना बहाया है, लोकल अहुदेदार साहबान सारे नाल गल करके उन्होंने विश्वास लैके, बल्कि कई तो उन्होंने रिकमेंडेशन ते ही कर रहे हैं। सो इस तरह का कोई पार्टी दे विच असी मैसेज नहीं देना चाहते कि कोई किसी धड़े ने कोई अपने धड़े का बंदा करवा लिया। सो साडा तां पंजाब दे लोक जिहड़े ने पंजाब दे दुखी लोक ते उन्हां दुखी लोकां लई हक्कां लई लड़दे लोक उही साडा धड़ा ने। सो इस तरह का कोई साडी पार्टी च ग्रुपिज़म जां कोई इस तरह का नहीं। सो अजय जी तुहाडा स्वागत है पार्टी च, ते असी उम्मीद करदे हां कि सानू क्योंकि यूथ बेस्ड पार्टी है, साडे MLA भी इत्थे, तुसी चाहे मीत हेयर है, चाहे रुपिंदर रूबी है, बलजिंदर कौर है, कुलवंत पंडोरी है, जिन्हें भी साढ़े MLA ने जिहड़े ने यूथ के विचों निकल के आए हैं। और साड़ी भी यही कोशिश है कि आने वाले समय च भी अकाली दल ते कांग्रेस के बहुत सारा, मैं जिस तरह पहला कहा कि यूथ जिहड़ा वह किसी होर उम्मीद नाल उत्थे आया सीगा कि कुछ करांगे देश लई जां पंजाब लई, पर जदों उन्हां नूं ये लगता है कि पसीना साडा ते उहदा फायदा जिहड़ा वह इन्हां दे परिवार दो चार जिस तरह अजय होरां ने कहा वह लई जांदे ने, तां असीं भी उन्हां नूं ये कहने कि आ जाओ आपां इकट्ठे होईए, आपां इकट्ठे हो के पंजाब नूं
जे अज दे मौके ते खड़े होके पंजाब नू बचा के दोबारा पंजाब नू दोबारा खड़ा पैरां सिर खड़ा कर दिए तां शायद आउण वालियां पीढ़ियां जिहड़ियां ने ओह आपां नू याद कर लिया करनगियां, नहीं तां जो हालात पंजाब दे होए ने ते जिहड़ा अज दी डेट च अकाली दल जां कांग्रेस नाल कोई चलूगा तां समझ लो कोई ना कोई उहदी स्वार्थ है उहदा। सो इस करके उहनूं आम आदमी पार्टी आउण वाले समें च वी 2022 दे विच नौजवान मुंडे कुड़ियां नू इलैक्शन लड़ाउण वेले पार्टी दे विच वड्डे संगठन दे विच अहुदे देण वेले उहनां नू तरजीह देऊगी ताकि असीं नवें खून नू जिहड़ा उह अगे लैके आ सकीए ते नवें आइडिए नवीं दिशा ते नवें पंजाब दी सिरजणा कर सकीए। मैं हुण अनमोल गगन मान जिहड़े कि फेमस सिंगर ने ते मैं उहनां नू बेनती करदा कि उह वी दो चार मिनट लई अपने जिहड़े ने विचार इस पार्टी बारे जां क्यों उहनां ने फैसला कीता इहदे बारे दस्सदे। बहुत मेहरबानी बाई जी, भगवंत बाई जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हौसला अफजाई की है हर एक लीडरशिप का, जिनी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है सारे का बहुत धन्यवाद। तो सब तो वड्डा धन्यवाद पंजाब के मीडिया जिहड़ा इत्थे सारा पहुँचा होया ते शामिल होने तो पहले ही जो मैनू हौसला अफजाई आ रही है, जो कल दे सानू फोन आ रहे ने कि तुसीं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, सानू खुशी है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक इमानदार पार्टी है जिथे कुर्सी की भुख नहीं है, लोगों के हितों की भुख है। गायकी दे विच मैं पा लिया, बहुत कुछ पा लिया, शोहरत पा ली, दौलत पा ली, पर सुकून नहीं मिलिया मन नूं कदे भी। स्टेजां दे भी मैं बहुत बोलियां कि शुरू तो बचपन तो अज दी नहीं, मैं जदों दा होश संभालिया उदों दा मैनू रोस है सरकारां नाल, मैनू किसी बंदे ना रोस नहीं है पर सिस्टम ना रोस है जिथे किसानां दीयां फसलां मंडियां च रुलदियां ने, जिथे मजदूर सड़कां ते रुलदे ने, इन्हां दीयां महलां दीयां इट्टां विच दी किसानां दी जां मजदूरां दी दुखां दी आवाज़ नहीं जांदी, जिथे धर्मां दे नां ते राजनीति हुंदी है। इह आम आदमी पार्टी है जिहड़ी इह धर्म निरपक्ष पार्टी है, किसे धर्म दे नां ते नहीं विकास दे नां ते राजनीति करदी है। अज जिहड़ा मेरा कारण है आउण दा, मैं बहुत देर दी किसी राजनीतिक पार्टी च हुंदी क्योंकि जरूरी है इत्थे जिहड़े राजनीतिक परिवार इन्हां ने ठेका नहीं लिया कि यही बेईमानी वाला हत्थ है जिहड़ा इन्हां दे हत्थां च बेईमानी दीयां लकीरां ने जिहदे नाल लोकां नूं लुट रहे ने। सो जिहड़े साडे असीं जिमीदार परिवार चों, मैं मेरे पापा किसान ने, सो किसान परिवार चों मैं संबंध रखदी हां ते मैं फैसला लिया कि मैं इस संगठन का हिस्सा बनांगी क्योंकि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली दे विच एक बदलाव लिया, एक लहर चलाई है जिथे सिक्ख्या तो ला, औरतां दी सुरक्षा तो ला, विकास तो ला, हर एक जो लोकां दा पैसा लोकां ते लगाया गया एंड किन्ना बदलाव लिया रहे ने। सोचो होर अगे 5-10 सालां दे विच उत्थे की, क्योंकि दिल्ली वर्गा जिहड़ा संघना शहर है जो उत्थे बदलाव आ सकदा ते इस पंजाब वर्गे खूबसूरत सूबे दे विच जिथे लोकां दा क्रांतिकारी खून है, जिथे लोग एक सच्चे बंदे नाल जुड़दे ने, जे उही पार्टी इत्थे आउंदी आ तां उस चीज़ दा साडे पंजाब दे विच किन्ना वड्डा फायदा होना। सो इस चीज़ नूं जिहड़ा तुसीं लै के जाणा, मीडिया ने लै के जाणा, जिहड़े मेरे वीर मेरियां भैणां इत्थे बैठियां, क्योंकि अज लोड़ है। जे तां असीं इन्हां दे थल्ले लग के रहिणा जिहड़े परिवार राजनीति चला रहे ने, बादल ने, कैप्टन साहब ने, बादल साहब ने, इन्हां दे परिवार अगे इन्हां दे बच्चे राजनीति कर रहे ने। इह असीं राजनीति को इत्थे कोई नहीं करदा, इत्थे कोई कुर्सी लई नहीं लड़दा, इत्थे लोकां दे हक्कां लई लड़न लई सारे बैठे ने कि लोकां नूं हक दवाए जाण। मेरी जिंदगी, मैं अज कह रही हां, मेरी जिंदगी पंजाब लई समर्पित है। जे भगत सिंह 23 साल दी उम्र च शहीद हो सकदा, मेरी उम्र 29-30 साल दी, 30वां साल आ मैनूं, मैनूं कोई किसे दा डर नहीं आ। मैं मेरी जिंदगी अज तो बाद मैं सिर्फ पंजाब दे लेखे लाउणी आ, मैनूं जिथे आवाज चकनी पई आम आदमी पार्टी दा वर्कर तो लैके लीडरशिप तक, मैनूं जिथे कोई कहूगा ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਮੀਰ ਜਾਫਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਚ ਹੁਣ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ
अज इस काम च उतर रही हूँ क्योंकि मेनू कोई संगठन नहीं मिल रहा सी। मैं इन्होंने लोटुआ च तो जाना नहीं सी। जो मैं दिल्ली च काम होंगे देखे, जो मैं भगवंत मान वीर वर्ग एक लीडर देखा जिदे च एक जज्बा, जिदे च लोगों लई बोलन दा जज्बा, ए नहीं मैटर करदा कोई कलाकार कोई की है, मैटर करदा थोड़ा अपने पंजाब लई लोगों लई गरीबां लई। गरीब इत्थे कोई नहीं है, गरीब तो लोग ने, असी राजे हाँ, असी वोट पाउने हाँ, ए सेवक ने। सो सेवक नूं सेवक बन के रहना चाहीदा। मालक तुसी हो, मालक असी हाँ जिहड़े असी वोट पाउने हाँ। सो असी मालक नूं मालक बनाउणा ते सेवक नूं सेवक बनाउणा। सो इस चीज लई असी आए हाँ ते मैं उम्मीद करदी हाँ कि पंजाब दा मीडिया निरपक्ष हो के, मैनूं पता क्योंकि कल दा जो मैं पोस्टां ऑलरेडी पै रही ने उस चीज तो मैं बहुत खुश हाँ। ते जिन्नी इस इन्हां दी आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी तो लैके जरनैल जी बैठे ने, बहुत कमाल दे इंसान लीडर भगवंत मान वीर दी मैं कोई तारीफ दे नहीं कर सकती। इन्हां ने बहुत इनकरेज किया इस चीज लई क्योंकि जो जनून जो जज्बे नाल इह बेधड़क हो के हर थां ते बोलदे ने उह इक, क्योंकि कई बार लोग कमियां कढ़दे ने, कल नूं मेरे च वी कढ़णगे क्योंकि जो ये किसी की किसी नाल दौड़ ना सकन फिर उदियां लच्चां खिंचन लग जांदे कोई ना कोई कढ़ के। सो असी ये देखना कि विकास कौन करा रहा ते धर्मां दे नां ते वोटां कौन लै रहा। सो ये चीज दे उत्ते असी संगठन आ, इत्थे सानू कोई मतलब नहीं किसी वोट नाल किसी राजनीति नाल, असी रल मिल के एक दूजे के हकों लई लड़ना, असी पंजाब नू एक खूबसूरत पंजाब बनाउणा ते तुहाडे सहयोग तो बिना कदे भी नहीं हो सकदा। मैं देखो मेरी पहली तरजीह इस संगठन नूं आ, लोकां दे हितां नूं आ, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म ते मेरे नाल करोड़ां लोग जुड़े हुए ने। सो करोड़ां लोकां नूं आपां मैसेज, हां जिहड़े मेरे शो ने इह मैं इन्हां नूं तरजीह नहीं दूंगी, गाणियां राही जिथे करोड़ां लोग आपां ही सुणन वाले आ, मैनूं पंजाब दे किसान पंजाब दे मजदूर पंजाब दीआं धीआं भैणां सुणदीआं, उहदे राही असीं सुनेहा जरूर देवांगे क्योंकि छड्डी दी उह चीज़ हुंदी है जिहदा कोई नुकसान होवे। पर हां बिल्कुल मेरी जिहड़ी पहली प्रेफरेंस है, मैनूं कोई गीत दा नहीं कोई किसे चीज़ दा नहीं, जिथे मैनूं कोई पंजाब दी किसान जथेबंदी है, मजदूर जथेबंदी है, अध्यापक जथेबंदी है, जिथे कह दूं मेरी जिंदगी पंजाब लई समर्पित है। ओ मैं थोड़ा जिहा मैं भी चैट कर देना, बल्कि मैं भी इन्हां नूं जदों मीटिंग हुई सी जिंदियां भी मीटिंगां हुईयां, मैं उहदे च इही कहा कि जिहड़ा तुहाडा परमात्मा ने कला दित्ती हुई है तुसीं उहनूं छड्डिओ ना, क्योंकि रोजी रोटी लई इह जिहड़ा जिहड़ी साडी पॉलिटिक्स है इह साडा पैशन है, इह प्रोफैशन नहीं हैगा, ठीक है ना। सो कोशिश तो पहला मैं भी की थी कि शायद मैं अपने सीरियलों नूं कंटिन्यू कर लेंदा, पर 2014 जदों मैं बनिया जां 2012 जदों मैं मनप्रीत नाल गया ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਹਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕਰਨ ये सवाल जवाब का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिससे पहले भगवंत मान जो कि पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अभी तीनों ही उन लोगों को मिलवाया मीडिया के सामने, उन्होंने पेश किया मीडिया के सामने, वे आए जिसमें पंजाबी गायिका अनमोल गगन मान शामिल हैं। क्या कह रही हैं सुनवाते हैं। जे कुछ भी है क्योंकि मेरा पहला फर्ज है मेरे समाज प्रति अपने फर्जा निभाना। सो कोई टीचर आ कोई अध्यापक आ कोई वकील आ कोई जज आ, सब तो पहला उहदे समाज प्रति भी फर्ज बनते ने। ये थोड़े हर एक बंदे ते डिपेंड करदा कि किनू अपने समाज नाल किन्ना प्यार है। सो मैनू इन्हां चीजां दा कोई नहीं आ, मेरे लई मैनू लोड़ पई ते मैं सब कुछ छड्ड भी सकदी आ, पर लोकां दी मैं डिसाइड कर लिया कि मैं लोकां दे हितां च खड़ी आ, खड़े रहना जदों तक मेरा आखिरी सांह चलदा। बाकी संगरूर मानसा ते बठिंडा जिले दे टिब्बियां जमे होए जी, ठीक है ना, सानू ना तो डंगाइयां तो डर लगता ना ऊंचाइयों तो लगता है। सो आम देसी घर देती पुत आ रहे ने तो चंगा, साढ़े साढ़े एमएलए भी हमने
नहीं नहीं फॉरन टूर का तो कोई ज्यादातर मैं लगता मैं साल डेढ़ साल फॉरन तो यह कहने सू इधर ले जाओ नहीं नहीं कोई इस तरह की गल नहीं इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है जिन्ना समय दे सकन मैक्सिमम पार्टी लिए दे देखो पहली गल तो दोनों सवाल थे ना पहली गल तो यह कि बीजेपी ने कोई पेटेंट राइट ले लिया कलाकार नहीं राते को तुर पे उदू पहला मैं नहीं सी सब तो वो वोटा ते मैं पंजाब चो जितया जी बाद जे कहंदे रहे कले चुटकले सुनाउंदा ठीक है जब लोग कहते लोग सुन आते हैं जो दूजी बारी हारे फिर उन्होंने पता लग्या भी वोटा भी पाते हैं ठीक है ना पहला कलाकार सिर्फ ना ये आपके रैलियां च कट करन जोगा समझते सी कि इन्हां दे नां ते कट हो जूगा चुल्हा इन्हां दे नां ते बल जूगा रोटियां असीं सेक लांगे हुण तुसीं देख लो कलाकार भी आम इसे समाज का हिस्सा ने जी उत्थे प्रेश रावल उत्थे रहा हेमा मालनी अज उत्थे है किरण खेर है उत्थे मुहम्मद सदीक जी उत्थे ने वो लोगों ने नहीं भेजे जी बटाले तो असीं टिकट दित्ती सी ठीक है ना सो मतलब मुहम्मद सदीक जी एम पी ने ठीक है ना तो जे तुम कहो मनीष तिवारी उन्होंने भोजपुरी सिंगर है ठीक है ना हंसराज हंस उतों एम पी है दिल्ली तो सो ईवन जयललिता तक फिल्म कर कर वो आके चले गए उन्होंने तो नहीं चलिया ना पहला पहला मेरे ते भी लाते जो मैं नवा नवा एम पी बनया मैं नैशनल मीडिया कहता सी जो कलाकार होते हैं वो मुंबई की उनकी चमक दम को नहीं छोड़ सकते तो फिर आप एक दो साल में वापस मुंबई चले जाओगे जो मैं हूँ उन्होंने मिलदा हूँ वह कहते नहीं यार तुहाड़ी गल हो रहा है सो जिदा जनून हो ना तो वह नहीं जा सकता तो जिस तरह अनमोल ने कहा यदा जनून है कि मैं लोगों की सेवा करनी है ये कोई मशहूरी वास्ते ज अखबारों च फोटो छपाने वास्ते नहीं बल्कि अज तो बाद लोचना ये लभण गए भी यदा पेंचर लाता सी यदा पड़दादा गोभी बेचता सी आलू पता नहीं की क्डन गए क्डी जाने कोई प्रॉब्लम जी जी जो हमने सवाल किया ना मैटर यह करता के नहीं मैटर करता कोई कलाकार है कोई टीचर हो सकता टीचर भी फेल हो जाए हो सकता वकील भी फेल हो जाए हो सकता कलाकार भी फेल हो जाए मैटर यह करता इंसान किदां दे थोड़े च समाज की सेवा करने की इच्छा किन्नी है यह तो नहीं भी कलाकार दी भावनावां मर जांदियां मैं जिद्दन दी 5 साल हो गए मैनू कलाकारी च भाजी 5 सालां दी हर स्टेज उत्ते मैं सरकारां दे खिलाफ रोस प्रगट कीता पर मैनू कोई संगठन नहीं मिल रहा सी जिन्हां दे नाल अज मैनू इह जिहा हुण दिल्ली दा रिजल्ट आए ने भाई जी क्योंकि गलती कर ली नहीं नहीं जो हुण इस टाइम रिजल्ट आए ने जो उन्हां दी हुण इस टाइम लहर चली है कम्मां दा नतीजा निकलिया सो मैं शामिल ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫੜੇ ਗਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਸਸ ਐਸਆਈਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 2017 ਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਣਵੀਰ ਖਟੜਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ 2 ਤੋਂ 2017 'ਚ ਆਮ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ 22 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੂਗਾ कलाकार नेता आम लोग और कार्यकर्ता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखे जो जुड़े चाहे वो अजय लिब्रा हों या फिर अनमोल ये आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं और इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे आप कहीं मत जाइएगा जल्द लौटते हैं।